तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने से सरकार का इनकार। विधानसभा में सरकार ने साफ किया कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन व उन्हें विद्यालयों में आगे रखने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। महाविद्यालयों के प्रबंध तंत्र अपने खर्च से रख सकते हैं। विधानसभा में गुरुवार को काम रोको प्रस्ताव के तहत सपा के राममूर्ति वर्मा ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के मुकाबले मौलिक पदों पर नियुक्ति गत 23 सालों से पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। आयु अधिक होने के कारण किसी अन्य भर्ती में चयनित नहीं हो सकते हैं। अभी 3500 शिक्षक रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह कोई नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में इन तदर्थ शिक्षकों को उनकी जगह मौका मिलना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इन शिक्षकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में कहा था कि इन्हें इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत अध्यापक भर्ती सेवा में 12 अंक देकर आवेदन लिए जाएं। इस आधार पर 2022 में 54 तदर्थ शिक्षक परीक्षा में बैठे, जिनमें से 40 चयनित हो गए। बाकी तदर्थ शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2021 निर्णय के हवाले से कहा कि जिन तदर्थ शिक्षकों ने उक्त परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें शिक्षण संस्थानों में बनाए रखने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।